जैसे कि आप देख रहे हैं पौधा कोई 50 साल का है, पूरे पेड़ को दिखाओ, 50 साल का पेड़ है। जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो कहीं भी मैं प्रूनिंग करता हूँ बड़े पौधे में, तो लोग बहुत डर जाते हैं और लोगों के बहुत गलत गलत कमेंट रहते हैं कि भाई सूख जाएगा पेड़। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हमने इतना बड़ा कट मारा हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं आप छोटी छोटी ग्रोथ ही ग्रोथ निकली हुई है। कभी भी हैवी प्रूनिंग से पौधा नहीं सूखता है, क्योंकि हमने थोड़ी हर साल ऐसी प्रूनिंग करनी, क्योंकि यदि हम एक साल पौधे का हर टहनी और हर बीमे का झाड़ कम करते हैं तो फ्रूट क्वालिटी तब भी आएगी और साइज भी तब भी आएगा। यहाँ देख पा रहे हैं हर कट की को दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ भी कट लगा हुआ है, यहाँ भी कट लगा हुआ है, और कट कट में ही टेढ़ा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और ग्रोथ देख सकते हैं आप बहुत ही लाजवाब, यहाँ देख पा रहे हैं आप। जितनी हैवी प्रूनिंग करते हैं हम उतनी ज़्यादा ग्रोथ आती है और उतना ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बीमा बन पाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, क्योंकि हमारा जो मकसद रहता है मेन टेने के साथ बीमा बढ़ना चाहिए। यदि मेन टेने के साथ बीमा बढ़ेगा, मेन टेने के साथ ही फ्रूट क्वालिटी अच्छी आएगी और कलर भी अच्छा आएगा, साइज भी अच्छा आएगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप, आज से 3 साल पहले जो कट लगा हुआ है, आज तक हमारा टेना यहाँ से ना कैंकर लगी इसमें ना सूखा। यहाँ देख पा रहे हैं आप हर टेने को, देखो जब हम प्रूनिंग करते हैं तो इस तरह से 45 डिग्री में जब टेना बाहर ले जाते तो इस तरह से बिल्कुल खुला पेड़ बन जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, इसका तो डाया देख सकते हैं आप, इसकी जो टहनी 30 फीट आई है, थी भाई 60 फुट में पेड़ फैला हुआ है, 60 फुट इसका डाया बढ़ चुका है। और एक इतने बड़ा पेड़ पौधा हमारे को 35 से 40 पेटी देगा। यहाँ देख पा रहे हो, यदि क्योंकि खड़े टहने में बीमा बहुत कम बनता है और इससे 2 गुना ज़्यादा ग्रोथ होती है खड़े टहनों में, कभी भी बीमा नहीं बढ़ पाता है। तभी कहते हैं कि दोस्तों भाई छोटे पौधों को ही पहले से इस तरह से टहने बनाओ, 45 डिग्री में बाहर को टहने बनाओ, ताकि पौधा फ्लावर में आए बाहर को।